गुस्सा हमको आता है और हम कुछ रिएक्ट करते हैं, उससे पूरा दिन खराब हो जाता है, रिश्ते ठीक नहीं रहते, रिश्तों में दरार आती है, तो उसके लिए क्या किया जाए वो हम आज की वीडियो में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ, महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। यह 90-10 प्रिंसिपल, आपको गुस्सा आता है, आप विचलित हो जाते हो, आप अपसेट हो जाते हो, तो आप जो घटना हुई है उसको रिएक्ट कैसे करते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। 90% प्रिंसिपल में 10% जो घटना हुई उसको दिया जाता है कि 10% वो जिम्मेदार है और 90% जिम्मेदार आप हो कि आपने उसको कैसा रिएक्ट किया। घटना जो हुई वो हुई, आप उसको कैसा रेस्पॉन्ड करते हो, कैसा रिएक्ट करते हो, उसके ऊपर डिपेंड है कि आपका दिन कैसा जाएगा, आप कैसे होंगे। तो जो आपके साथ में हुआ वो 10%, जो आप रिएक्ट करते हो 90%, क्योंकि जो घटना आसपास में हो रही है उसके ऊपर आपका कुछ भी कंट्रोल नहीं है। हो सकता है कि आपकी कार जो है बिगड़ जाएंगी, आपका फोन कहीं तभी आपने रखा हुआ जल्दी मिल नहीं रहा है और वो साइलेंट पे था, उससे उसके वजह से आप डिस्टर्ब हो गए। आप रास्ते पे जा रहे हैं, कोई तो भी जोर से पीछे से आता है और आपको टेकओवर कर लेता है और बोलता है तुम गाड़ी चलाने नहीं आता, ऐसा देख के चले जाता है, आप अपसेट हो जाते हो। आपको बहुत जल्दी है जाने की और रेड सिग्नल आ जाता है और आप रुक जाते हो। हो सकता है कि आपका ब्रेकफास्ट जो है वो लेट तैयार हो जाता है, मतलब ऐसे कुछ भी कारण हो जाता है और वो कारण के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल है नहीं, हमारा कंट्रोल है हमारे रिएक्शन के ऊपर। एक एग्जांपल लेते हैं कि सुबह सुबह आप तैयार हो रहे हैं, सुबह तैयार हो रहे हैं, आपका कॉफ़ी और ब्रेकफास्ट तैयार है, आपके पत्नी ने आपकी कॉफ़ी और ब्रेकफास्ट रेडी रखा है डाइनिंग टेबल के ऊपर, और उतने में आपकी जो छोटी बेटी है वो आप जब बैठे हैं वहाँ तो उसका हाथ लग जाता है और आपके शर्ट के ऊपर कॉफ़ी गिर जाती है, आपका शर्ट खराब हो जाता है, आप बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप उसके तरफ गुस्से से देखते हैं, बच्चे की तरफ, आपके बीवी को आप चिल्लाते उसके ऊपर कि आपने वो जो कॉफ़ी का कप था वो एकदम आखिरी एज पे क्यों रखा टेबल के ऊपर, समझता नहीं क्या वगैरह वगैरह, और वहाँ से फिर वो बच्ची रोना चालू कर देती है, आपकी पत्नी डिस्टर्ब हो जाती है, आप अपने पत्नी को कुछ ना कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा बोल देते हैं और आपका दिमाग ठिकाने पर रहता नहीं है, आप वहाँ से बाजू हो जाते, शर्ट बदलने के लिए निकल जाते, तब तक आपकी बच्ची जो है वो डिस्टर्ब है, पत्नी डिस्टर्ब है, बच्ची जल्दी तैयार होती नहीं है, वो रोते रहती है, उतने में स्कूल की बस आती है, बच्ची तैयार नहीं है करके बस निकल जाती है, आपको जल्दी से आके बच्ची को भी स्कूल में छोड़ना है, आप जल्दी जल्दी उसको गाड़ी में बिठा के अभी स्कूल छोड़ने के लिए निकले हैं, बच्ची रो रही है, फास्ट स्पीड से उतने में एक ऑटो का अपना थोड़ा सा कट मार के आप निकल रहे, उतने में ऑटो का थोड़ा सा एक्सीडेंट होके वो खराब हो जाता है, वो चिल्लाता है, रोक देता है, आप उसको 500 की नोट दे दे कि भाई चल मेरे से गलती हो गई, 500 की नोट ले और निकल जा जल्दी, मुझे जाने दे, क्योंकि आपको वो कट मार रहा था, आपका नुकसान हो गया, उसका भी नुकसान हो गया और पैसे आपने दिए, उसको बच्ची को स्कूल में छोड़ दिया, ऑफिस में आप गए तो आप लेट हो गए ऑफिस में, जब जाके वहाँ पहुँचे तो आपको मालूम पड़ा कि अरे मैंने ब्रीफ केस ही लाया नहीं ऑफिस में, लेट होने की वजह से आपके बॉस ने आपको बुलाया, कुछ कागज उसको चाहिए थे, आपका बॉस अभी आपको स्कोल्ड कर रहा है, आपके पास में ब्रीफ केस नहीं है, कागज नहीं है जो इम्पोर्टेंट कागज थे, तो आपका पूरा दिन ऑफिस का खराब जा रहा है। आप जब घर पे जाते हो तो आपकी पत्नी और आपकी बेटी एकदम दुखी मूड में है और वो डिस्टर्ब मूड में है और आपका दिन कैसा गया देखो। आप रिएक्ट जो आपने किया और जो 90% है जो आपके कंट्रोल में है वो यदि आप करते थे तो ये होता ही नहीं था। कॉफ़ी शर्ट के ऊपर गिर गई, सो वॉट, उसका क्या मतलब हुआ? कुछ भी मतलब नहीं हुआ। आप उसको बोल सकते थे कि बेटा थोड़ा संभाल के रहना है, थोड़ा केयरफुल रहती तो ये गिरता नहीं था। आप वहाँ से उठ जाते हैं, फटाक से जाके शर्ट बदल लेते हैं और आके अपना कॉफ़ी लेते हैं और ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम होता ही नहीं था। बच्ची स्कूल पे टाइम पे जाती थी, आप समय पे घर से निकलते थे और आप ऑफिस में जल्दी जा सकते थे, आपका दिमाग भी ठिकाने पर रहता था, आपके बॉस के साथ के संबंध खराब नहीं होते थे और आपका पूरा दिन एक बहुत अच्छा दिन। आप देखिए कि जो रिएक्शन हुई, क्या कॉफ़ी आपके शर्ट पे गिरने के बाद में आपका दिन खराब हो गया?
या ऑटो वाले ने आपके कार को मारा और वहां से आपका डिस्टर्ब हो गया, या शर्ट खराब हो गया करके आपका दिन डिस्टर्ब गया, मतलब हुआ क्या? जो हुआ वो हुआ। आप देखिए कि आपके लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल है नहीं। अभी हमने देखना है कि हमने उसको कैसा रिएक्ट करना है, मैंने कैसा रिएक्ट करना है उसको, और पूरा खेल रिएक्शन का है। मैं उसको क्या अर्थ दे रहा हूं, वहां से मैं उसका क्या अर्थ निकाल रहा हूं, मैं मेरे दिमाग में क्या कॉन्वर्सेशन चलता है, क्योंकि जो भी कुछ होता है तो इतना फटफट 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 दिमाग में इतने विचार आते हैं, 50,000 से 60,000 थॉट दिन भर में हमारे दिमाग में आते थे, और हम उसका कुछ तो भी मतलब निकालते, कुछ तो भी अर्थ निकाल लेते और फटाक से रिएक्शन कर लेते। तो वही हम रिएक्शन नहीं करते हैं, शांति रखते हैं, तो अपना जीवन अच्छा हो जाता है, अच्छा हो सकता है, अच्छा जिया जा सकता है, और अपनी रिलेशनशिप भी अच्छी हो सकती है। अच्छे रिलेशनशिप के लिए जरूर 90% 10% का प्रिंसिपल अपनाइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर